रेड सॉस पास्ता, पेने अराबियाता इन माय स्टाइल। जनरली अराबियाता एक क्लासिकल इटालियन सॉस है जिसमें लॉट्स ऑफ टमेटोस, चिलीज एंड गार्लिक और ऑलिव ऑयल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेने अराबियाता बनाना। पेने अराबियाता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए टमेटोस, एक कप पास्ता। जनरली मार्केट में डिफरेंट स्टाइल और शेप्स के पास्ता अवेलेबल होते हैं। पेने अराबियाता बनाने के लिए इसी पास्ता का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने लहसुन को बारीक काट के चॉप करके रख लिया है, दो रेड चिलीज, चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पर मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज के अनियन जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बेसिल, ओरिगैनो। अगर आपके पास फ्रेश बेसिल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, अमूल चीज़, टमाटो केचप एंड विनेगर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेने अराबियाता बनाना। अब हम टमाटर्स को ब्लांच करेंगे। तो मैंने एक पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। टमाटर्स को ब्लांच करने का मतलब है टमाटर्स को बैक साइड से कट लगाना, जिससे कि टमाटर पील आउट करने में आसानी हो। अब मैं सारे टमाटर को बैक साइड से क्रिस क्रॉस कट लगाकर पानी में बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इसमें मैं डालूंगी दो खड़ी लाल मिर्च। अब हम इसे 5 से 7 सेकंड के लिए बॉईल होने रख देंगे, जब तक हमारे टमाटर की स्किन लूज आउट नहीं हो जाती। अब हमारे टमाटर यहाँ पर बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडे पानी में निकाल के रख देंगे। अब हम टमाटर को करने देंगे थोड़ी देर रेस्ट। अब हम मैं ग्राइंडिंग जार में मिर्चियों को डाल दूंगी। टमाटर की स्किन को करेंगे पील आउट और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपके टमाटर में सीड्स है तो आप उसे निकाल के साइड में रख सकते हैं। इसी तरीके से सारे टमाटर को हम छिलके को निकालकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। मैंने यहाँ पर टमाटर्स को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है, एकदम बारीक फाइन ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा रखा है। अब हम यहाँ पर हमारे पास्ता को बॉईल करने के लिए पैन में लेंगे पानी। इसमें मैं डालूँगी 1/2 स्पून और ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, जिससे कि हमारे पास्ता फीके ना लगे। जब तक पानी बॉईल होता है तब तक हम पास्ता को रखेंगे साइड में। पानी को थोड़ा बॉईल होने देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास्ता। अब हम ऐड कर रहे हैं पानी में हमारे पास्ता। पास्ता को हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है। हम पास्ता चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास्ता बिल्कुल फूल का डबल साइज हो गए हैं।
या हम पास्ता को चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास्ता को हम 2 मिनट और पकाएंगे। पास्ता को हम चेक कर लेते हैं। पास्ता को हमें 90-95% तक पकाना है, फुल 100% नहीं पकाना है। मतलब एक उसमें बाइट साइज होनी चाहिए। पास्ता को हमें मैश ही नहीं करना है। यहाँ पर हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे इसे स्ट्रेन। पास्ता को हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे। ये देखिए पास्ता हमारा कितना खिला खिला सा है। अभी हमारी सॉस साइड में रेडी नहीं है, इसलिए मैं पास्ता में थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, जिससे कि पास्ता चिपके नहीं। अगर हमारी सॉस रेडी होती तो हम डायरेक्ट सॉस में पास्ता डाल देते स्ट्रेन आउट करके। अब मैं एक पैन में ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे लहसुन, चॉप्ड गार्लिक। इसे हमें थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ हमारे चॉप्ड अनियन। दोनों को हमें 2-3 मिनट पकाना है, जिससे कि प्याज और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। हमें उन्हें बर्न नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे पीसे हुए टमाटर जो हमने पीस के रखे थे। अब यहाँ पर मैं टमाटर को थोड़ी देर के लिए पका लूंगी। अब मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट। पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर कलर के लिए। यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो केचप। यहाँ पर मैं 2 स्पून टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी सॉस का टेस्ट और ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स पाउडर 1/2 स्पून। हमने पहले टमाटर को पीसते समय भी उसमें 2 चिली डाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स का ही यूज़ किया है। अब मैं इसमें डालूँगी विनेगर।
यहाँ पर मैं 2 स्पून विनेगर ले रही हूँ। अब हम कर देंगे सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स और हमारी सॉस को पकने देंगे सिम पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसिल। यहाँ मेरे पास ड्राई बेसिल पाउडर है, अगर आपके पास फ्रेश बेसिल अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसिल पाउडर। हमारी सॉस बन के रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे पास्ता जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। यहाँ पर मैंने 1 कप पास्ता लिया था जो 2 लोगों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अब हम इसे करेंगे सॉस में अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें अब मैं डालूंगी ओरिगैनो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ओरिगैनो कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ओरिगैनो। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ओरिगैनो डाला है क्योंकि ये ओरिगैनो का फ्लेवर उतना तेज नहीं है। अब मैं करूँगी इसे मिक्स। और गाइस क्या खुशबूएं आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं किसी इटालियन रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, आप घर पर रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता बना सकते हैं, बस आपको सामान ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत है और घर पर बनाइए झटपट से रेड सॉस पास्ता। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अमूल चीज़। और इसे मिक्स कर दूँगी। चीज़ी रेड सॉस पास्ता इज रेडी। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ को पहले से ही ग्रेट करके रख लिया था इसलिए मेल्ट हो गया है। ये हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसमें ब्लैक ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।